रहा इन्हों ने सौ खा सकता तो जिंदगी कद इन्होंने अमानत क्यामत नहीं कि फैसला लेते हो। हाँ हाँ समय समय की गल है काका शीर वाली पिंड कदे लिखिया सी अगर शीर वाली ने पिंड मुंडा शीर वाली का साडे पिंडां दा ते जिहड़ा पिंड सी ओह सोढ़ियां ने बन्निया सीगा जट सिंह मकान सिंह और मान सिंह ने अपने साझा पिंड शीर साझा अगे शीर वाली ने धौन मारती पिंड के मोढ़ियां दी ते कामरेड सी हो गए पैरी टप के सोढ़ियां दे ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਅਮੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੰਡ ਅਜੇ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਲਿਆਓ ਤੋ ਬਾਈ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपना दो दांत में फर्स्ट रही है चैंपियन बन गई है। और एक चीज़ मैं बता दूँ सामने भाई है मेरे पास में श्याम बुल के जो ओनर है श्याम बालकिया बुल का नाम आप जानते होंगे वो बुल है भाई ने कुरुक्षेत्र भी बताई थी अब आते अग भाई पहला रिजल्ट आए हैं फिर सीमन तैयार करवाए भाई साहब बात यही होगी। हाँ यही बात मैं उसमें भी बोल रहा था कि मैं एक भारत का पहला ऐसा बुल पालक हूँ जिसने बच्चे दूध पे लाके हाँ जी और तब सीमन तैयार करवाए हैं। पहले ऐसी मेहनत करी है कल न कोई भाई पूरे दो साल की मेहनत हो है कोई भाई टिक्का रखवाओ सीमन रखवाओ चार साल की मेहनत भाई साहब तो उसके बाद में भाई अच्छा रिजल्ट ना मिले तो एक ये मान लो धोखा हो जाए भाई साहब तो भाई ने रिजल्ट पे लिया दूध पे लिया नाम क्या दर दिया इसका इसका नाम है भाई लखो लखो नाम दर दिया है। और भाई सवाल आपकी तरफ से मैं करना चाहता हूँ भाई साहब आपका स्वागत करते हैं आपका हम करते हैं और एक सवाल मैं जो करना चाहता हूँ भाई साहब हरियाणा से आए हैं हमारे मेले पर पहुंचे हैं तो कहने की है कि सवाल मेरा ये है कि मेले में कोई पक्षपात नहीं 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 पक्षपात का तो सवाल ही पैदा नहीं भाई पैदा होता वो इससे मुंह से पूछना चाहते हैं अभी कैसा लगा मेला बहुत अच्छा लगा जजी एक नंबर की जजी भाई जी एक मिनट ये तो फर्स्ट है ये तो पक्षपात बताएंगे नहीं जो पांचवें नंबर पे है वो भी ये कह रहा है भाई संतुष्ट हम बिल्कुल फैसले आपके बिल्कुल चंगे हैं बहुत बढ़िया है भाई जी मेले में कोई कमी नहीं है ये चीज हम भी कहते हैं आपको तो भाई ने बहुत बहुत बधाई हो। और भाई आगे जो भी भाई श्याम बुल का सीमन इस्तेमाल करना चाहता है रिजल्ट आपके सामने है भाई दूध पे कितने पाएगी तीन जोटी चैंपियन बन ली भाई चार जोटी की लाइव करवा चुका हूँ और तीन डीएफए मेरे लगता और करवा दूंगा दूध और बता दे कितना ज्यादा से ज्यादा दीद भाई खीरी ने काटा था पौने 13 किलो अच्छा जी और जो दो दांत ने 16+ निकाला भैया 16+ और लाइव है सभी की भाई ना बहुत बहुत बधाई हो मेरा 9974-52536 और एक और सभी मैं यहाँ पर जो पत्रकार बंधु आए हुए हैं दोबारा फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बहुत से बड़े बुल आए हुए हैं अगर शाम इतनी कटड़िया यहाँ कोई लेके आ रहा होगा बुल वाला उसको 11,000 रुपये की माला मैं पहनाऊंगा भाई बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई भाई ने चैलेंज नहीं करा मान सम्मान करा भाई मान सम्मान बहुत मुबारक क्योंकि देखो भाई साहब कटड़े बहुत हो सकते हैं कटड़िया लाके दिखाओ भाई एक मिनट रुक जा भाई तेरी बात ना मैं विराम दूंगा और भाई राजस्थान तो आया है और भाई श्याम बालकिया बुल का इतना तगड़ा फैन है भाई ने पगड़ी पर होगा पगड़ी के मोड़ी लिया है गुरु जी चलिए भाई ना ना एक की बात है देखिए भाई ये होता है एक मान सम्मान ये मेहनत सफल है भाई एक बार ताली बजा दो सारे भाई जोरदार तो देखिए भाई नाम क्या आपका सलीम खान भाई आप श्याम बुल के फैन हो गए हाँ जी फैन है जी तो आज इसलिए मान सम्मान कर भाई ने और सभी पशुपालक भाइयों को उनकी मेहनत का जो मान सम्मान मिलना चाहिए एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई ने भाई बहुत अच्छा लगा भाई ने देखिए सलीम खान भाई ने पगड़ी के द्वारा मान सम्मान किया फर्स्ट रही है अपना हरियाणा से भाई पहुंचे थे और उन्हीं के बुल की है श्याम बालकिया बुल की तो भाई दूसरे नंबर पर जो रही है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे भाई जी राम 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 क्या नाम आपका नरेश कुमार जी नरेश कुमार भाई गांव कौन सा अपना दोदे वाला तहसील हबोर जिला फाजिलका अच्छा जी जिला फाजिलका ये अपना गंगानगर के पास में होगा भाई पाकिस्तान बॉर्डर लग गया अपना बॉर्डर पे ही है कौन से बुल की है ये दारा जी लक्ष्मी डेयरी फार्म अच्छा जी दारा बुल की कट्टी है उत्तर मिल क्या है इसका 19 किलो है 19 किलो है तो आज पहली बार लगाई थी हाँ जी पहली बार ये जो कंपटीशन था कौन सी कैटेगरी था का था ये बताओ एक बार
ये दो दांत में, दो दांत में था भाई, और दूसरा स्थान हासिल किया है जी। कंपटीशन बहुत तगड़ा था भाई, उसमें भी दूसरा स्थान आना एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई मेरे चैनल की तरफ से, और भाई पशुपालक भाइयों लगातार कमेंट में शुभकामनाएं देते रहो। दो दिन ये काम आपके जिम्मे है, आज और कल जिस भाई की मेहनत सामने आती है, सफल होती है, उसको कमेंट के माध्यम से शुभकामनाएं जरूर दें भाई। राम राम। धन्यवाद। नमस्कार जी, कौन सा गाँव आपका? हरियाणा। अच्छा जी, कौन से जिले में है? बरनाला जिले में। बरनाला जिले में है, और कौन से बुल की है ये? हीरे बुल दी है। हीरा बुल गया भाई, तीसरा स्थान हासिल किया है। ये दो दांत कैटेगरी का जो कंपटीशन था, चार तक के तकरीबन सभी पशु आपको दिखा दिए हैं, और अभी भाई खीरी कट्टियों का भी रिंग लगा हुआ है, उसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। तो आज भाई देखिए 3 तारीख है, 3 दिसंबर है, यानी कि धनोला मंडी का जो मेला है उसका दूसरा दिन है, और दो दांत की जो मुर्रा की कैटेगरी है उसके रिजल्ट आ गए हैं। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गांव जी अपना? बठिंडा जिला, पिंड कुटी किशन। अच्छा जी, तो ये जो आपकी झोटी है दो दांत में भी, हाँ जी, कौन सा स्थान हासिल किया है जी? ये चौथा जी, चौथे स्थान पर रही है जी। कौन से बुल की है ये? ये सरबीर दी। अच्छा जी, माँ का दूध का रिकॉर्ड कितना है? माँ का पहले सुबह का 14 लीटर है। 14 लीटर है पहले बैत का, दो दांत का ही। तो जी देखिए चौथा स्थान हासिल किया, जजमेंट से आप संतुष्ट हैं बिल्कुल? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत बधाई, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक है जी, तैयारी करो, आगे फर्स्ट भी आएगी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बहुत बहुत बधाई है जी, बहुत बहुत बधाई।